नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान पोखर के सामने गौशाला रोड नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, जूस, हॉट एंड कोल्ड कॉफी, तंदूरी सहित कई आइटम उपलब्ध है। विशेष आकर्षण कॉफी का आनंद लें मात्र 15 रुपए से। साथ ही परिवार के साथ झूले पर ले खाने पीने का आनंद। प्रत्येक रविवार को 30% की भारी छूट। फ्री होम डिलीवरी उपलब्ध है। संपर्क करें 7549888597। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं जीएस न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। पटना में अपराध की योजना बनाते दो अपराधी गिरफ्तार, हथियार बरामद। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार विपक्षी पार्टियों के निशाने पे रहते हैं। आए दिन विपक्षी पार्टियों के नेता राज्य सरकार को अपराध पर लगाम कसने में असक्षम बताते हैं। अपराध पर लगाम कसने में पुलिस की भी किरकिरी हो रही है। इसी बीच पटना पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। फंस गए बाहुबली विधायक, AK-47 बरामदगी मामले में ADG के सामने BDO ने दर्ज कराया बयान। मोकामा के RJD विधायक अनंत सिंह के खिलाफ AK-47 बरामदगी मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। इसमें बाढ़ के तत्कालीन प्रखंड पदाधिकारी BDO अमरेंद्र कुमार सिन्हा ने अपना बयान दर्ज कराया है। उन्होंने बताया कि 16 अगस्त 2019 को जब अनंत सिंह के आवास पर छापेमारी हुई थी तो वह मौजूद थे। उसके सामने ही अनंत सिंह के घर से AK-47 राइफल और हैंड ग्रेनेड बरामद हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुलिस नहीं ले रही है सीरियस। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्ष ने खोला मोर्चा। सूबे में बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के कारण बिहार सरकार विपक्ष के निशाने पे है। राजधानी पटना के VIP इलाके में इंडिगो एयरलाइंस के एयरपोर्ट मैनेजर रुपेश सिंह की मंगलवार को हत्या के बाद विपक्ष ने बिहार सरकार और बिहार पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसी कड़ी में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा कि बिहार में बढ़ रहे अपराध के कारण आम लोगों को भरोसा बिहार सरकार के इकबाल से खत्म हो गया है। पटना में जदयू नेता को मारी गोली, बिहार में अपराधियों का तांडव जारी। अपराधियों ने जदयू नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। यह घटना बख्तियारपुर इलाके के केवल बिगहा गांव की बताई जा रही है। बेटी की हत्या में गवाही देने वाले पिता को बदमाशों ने मारी गोली। लगातार मिल रही थी धमकी। बिहार के लखीसराय में बदमाशों के भीतर वर्दी का खौफ खत्म हो गया है। एक के बाद एक लगातार घटनाओं को अंजाम देकर आसानी से निकल जाते हैं। ताजा मामला लखीसराय थाना क्षेत्र से है, जहां बेटे की हत्या में गवाह वृद्ध पिता को गोली मार दी गई है। घटना कबैया थाना क्षेत्र के बाईपास ओवर ब्रिज के पास एक चाय दुकान के नजदीक घटी है। आरोप है कि गवाही न देने को लेकर दूसरे पक्ष के लोग थाना क्षेत्र के ही वार्ड नंबर 17 गांधी टोला निवासी उमेश मंडल पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। इसी बात को लेकर रविवार की सुबह उनकी हत्या की नियत से बदमाशों ने गोली चला दी। 4000 रिश्वत मांगने के चक्कर में नप गए SI महोदय, वीडियो सामने आने के बाद SP ने किया सस्पेंड। जिले में पुलिस कर्मी द्वारा रिश्वत लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, उसके बाद उसे सस्पेंड कर दिया गया। शुक्रवार को खगड़िया के भरतखंड OP में एक SI हरेंद्र पांडे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इस घटना का संज्ञान लेते हुए खगड़िया SP अमितेश कुमार ने गोगरी DSP PK झा से पूरे मामले का जांच कराया, जहां रिपोर्ट में रिश्वत की पुष्टि सत्य होने पर खगड़िया SP ने त्वरित कार्रवाई करते हुए SI हरेंद्र पांडे को सस्पेंड कर दिया। वाहरे शराबबंदी, MBA के छात्र ने अपनाया शराब तस्करी का धंधा। पकड़े जाने के बाद कमाई सुनकर पुलिस रह गई दंग। जल्द से जल्द ज्यादा पैसे कमाने की चाहत में MBA का एक छात्र ड्राई स्टेट बिहार में शराब की तस्करी करने लगा। इस धंधे के प्रतिदिन वह 9 लाख रुपए कमाता था। 28 साल का वह युवक अब पुलिस की गिरफ्त में है और एक स्थानीय कोर्ट में उसे 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया है। BJP के तल्ख तेवर के बाद मुकेश सहनी का सिलेंडर, शॉर्ट टर्म वाली VIP सीट स्वीकार करने को हुए तैयार। सुबह में किया था इनकार। बिहार के सियासत में हर दिन कुछ नया होने जा रहा है। NDA की सहयोगी VIP चीफ मुकेश सहनी औदे मुंह गिर गए हैं।
बीजेपी के सख्त रुख के बाद मंत्री मुकेश सहनी बैकफुट पर आ गए हैं। जानकारी के अनुसार वे बीजेपी की शर्त मानने को तैयार हो गए, सिर्फ ऐलान होना बाकी है। इससे पहले मुकेश सहनी की तरफ से साफ साफ कह दिया गया था कि वे शॉर्ट टर्म के लिए विधान परिषद में नहीं जाएंगे। बिहार में मिले कोरोना के 211 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 25,87,039। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज पाए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक बिहार में 211 लोग कोरोना के पॉजिटिव मरीज पाए गए। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 25,87,039 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,099 लोग कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं। घर में बंधक बनाकर 20 लाख नगद एवं 5 लाख का आभूषण की हुई डकैती। नगोचिया पुलिस जिला के झंडापुर ओपी थाना क्षेत्र के ओलियाबाद में 20 लाख नगद एवं 5 लाख का आभूषण डकैती हुआ है। घर मालिक को बंधक बनाने के बाद धारदार हथियार से हमला कर इस घटना को अंजाम दिया गया। नॉनवेज पसंद करने वालों के लिए खुशखबरी, अब चंपारण मीट का स्वाद नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में, जहां चिकन स्टू 50 रुपए, मटन स्टू 65 रुपए, चिकन सिक लेग पीस 100 रुपए और तो और चिकन थाली मात्र 150 रुपए एवं मटन थाली 195 रुपए में उपलब्ध है। स्वाद के लिए अवश्य पधारें सुंदरम अहुना मटन, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। फ्री होम डिलीवरी के लिए उपलब्ध है, संपर्क करें 8603493747। अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ, अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340 3717877 3250522।